नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप ही के अपने YouTube चैनल पे। अब एग्जिट पोल आ गए हैं और सभी एग्जिट पोल्स ने मेजॉरिटी से बीजेपी को जीतते हुए बताया है। सभी का लगभग यही मानना है कि जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसमें जो बीजेपी का परफॉर्मेंस था उससे बेहतर इस बार होगा। और बीजेपी और एनडीए अलायंस 300 से लेकर 400 अलग अलग अनुमान है, लेकिन सीटें लेकर आने वाली है। अब ये बात लगभग लगभग तय हो गई है। अब इसको मार्केट चेरिश करेगा, कितना चेरिश करेगा, क्या टारगेट्स आएंगे मार्केट में, क्या पहले से सब कुछ डिस्काउंटेड है या अभी जगह बाकी है, इस सब बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बातचीत करूंगा। एक बात मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, देखिए मार्केट में हमसे ज़्यादा स्मार्ट लोग बैठे हैं। हमारे पास ये एग्जिट पोल के नतीजे कल आए हैं, बट बड़े प्लेयर्स, हाथी लोग, बड़े इन्वेस्टर, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, उनके पास ये सब चीज़ें टेबल पे फाइल आज से 15 दिन पहले पहुंच गई होगी। और ये बात मैं अपने मेंबर्स को, क्लाइंट्स को बोलता आ रहा हूं कि हमें इन्फॉर्मेशन लास्ट में मिलेगी हर चीज़ की। सबको पहले से चीज़ें मालूम होती है, प्राइस में सब कुछ डिस्काउंट होता है। मार्केट में यही थ्योरी है, आपको पता है भाव भगवान है, भगवान के बाद किसी को कुछ पता है तो वो भाव को है, और प्राइस में सब कुछ डिस्काउंटेड होता है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि यार मार्केट अब बहुत रैली करेगा समथिंग, बट सरप्राइजेस मार्केट देने के लिए जाना जाता है। ऐसे में क्या हो सकता है मार्केट में, मैं आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा पॉइंट्स दिखाना चाहूँगा। जस्ट मैं आपसे एग्जिट पोल के बारे में बात करूँ तो देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग कैलकुलेशन के मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, अलग अलग सैम्पल साइज होता है। बट अगर एक आधा बोलता कि भाई बीजेपी जीत रही है, दूसरा बोलता नहीं यार कम सीटें आ रही है, कोई बोलता कांग्रेस जीत रही है, बात अलग थी। अब सबकी कैलकुलेशन गलत हो, सब मिले हुए हो, सब करप्ट हो, ये नहीं मानना चाहिए। तो ये बात तय है इस टाइम पे, ठीक है, कि एनडीए यानी बीजेपी अलायंस जीतने वाली है। कितनी सीटों से जीतेगी ये भी लगभग लगभग तय है कि पिछली बार के परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस इस बार आएगा। और देखिए वाजपेयी जी के टाइम पे एक बार इस तरह से सरप्राइज हुआ था, कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन सरकार कांग्रेस की आ गई थी। और बहुत पहले का मैं डेटा देख रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे किसी को उम्मीद नहीं थी, बट वहाँ पे भी झटका लगा था। लेकिन अदरवाइज जनरली मार्केट जो है इस टाइम पे अब ये मांग के चल रहा है। इस चीज़ का एक प्रूफ मैं आपको सबसे पहले देता हूँ वीडियो की शुरुआत में। देखिए फ्राइडे को मार्केट्स कमज़ोर थे, ग्लोबल मार्केट कमज़ोर थे, अडानी का शेयर 7% बढ़ा था, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स 4%, और कई और छोटे छोटे अडानी के जो स्टॉक्स हैं 5-5% भी ऊपर थे, 3-3, 4-4% ऊपर थे। अडानी एंटरप्राइज का 7% बढ़ना, जितना भी फॉल आया था 5-6 दिन में, पहले ही ऊपर रिकवर कर जाना और ऊपर जाएगा। बट पॉइंट इज कि अगर इसने मान लो 10% ऊपर बढ़ना था तो 7% ये जो ऊपर बढ़ा है ना, ये तो आपको दिख रहा है। इसके ऑप्शन के प्राइसेस देखिएगा, चार्ट देखिएगा बाद में, पहले ऑप्शन के प्राइसेस देखिएगा, कॉल के प्राइसेस काफ़ी कुछ डिस्काउंट करके बैठे हैं। यहाँ से ये 5-7% और ऊपर बढ़ता है तो जाकर वो कॉल्स के प्राइसेस जो हैं पार होंगे। कहने का मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें कई लोगों को मालूम होती है। आप देख ही सकते हो किस तरह से अडानी का स्टॉक ऊपर है, किस तरह से बैंक निफ्टी जो है 49,000 के पास पहुंच गया, इंट्राडे में एक अच्छी खासी गिरावट आई। फ्राइडे का चार्ट देखिए, फॉल आया फ्राइडे को, रिकवरी दिखाई, यहाँ पे किसी ने माल लोगों को बाहर निकालने के लिए छोड़ा, फिर खरीद लिया सारा, फिर एक झटका मारा नीचे का ताकि लोग बेरिश हो जाएं, पुट ले लें, माल छोड़ दें, सारा माल उठा लिया, फिर से ऊपर ले जाकर 49,000 पे बैंक निफ्टी को बंद किया। ठीक है, बैंक निफ्टी अच्छी खासी रिकवरी के साथ बंद हुआ। ये सब तब हो रहा है जब अभी ग्लोबल कोई इतने अच्छे हालात नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स में आप देखोगे तो डाउ जोन्स थोड़ा सा संभला है लास्ट ट्रेडिंग डे में, बट काफ़ी हद तक एक गिरावट चल रही है वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लगातार गिरावट चल रही है। अब ये फ्राइडे को रात को जरूर हमारी मार्केट बंद होने के बाद थोड़ा सा संभला था, बट यहाँ पे एक सीवियर फॉल आया था रिसेंटली। अब देखो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल स्टॉक्स हैं जिनको असर पड़ने वाला है मार्केट में सेम सरकार के आने का, फॉर एग्जांपल बीजेपी है, देन कुछ और यहाँ पे पीएसयू कंपनीज है, बीजेपी क्या है दोस्तों, अडानी है, अडानी, ठीक है, अडानी के स्टॉक हैं, पीएसयू कुछ स्टॉक्स हैं जो बीजेपी के गवर्नमेंट के अंडर अच्छा कर रहे हैं और उनको सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। उन्होंने कहीं ना कहीं हिंट पहले दे दिया कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद है। और यहाँ पे अभी होगा क्या कि मार्केट थोड़ा बहुत रैली करेगा, ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर चुका है, ऑल टाइम हाई हम छू कर 23,000 का लेवल आए हैं, बट अगर ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट नहीं रहा तो मार्केट्स वापस
ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग में आ जाएगा, यानी हम खुल ऊपर सकते हैं इलेक्शन के एग्जिट पोल के नतीजों के कारण, बट अगर ग्लोबल सपोर्ट नहीं रहा, मंडे को मॉर्निंग को ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव होती है, तो हम थोड़ा सा ऊपर टाइम बिताकर वापस नीचे की तरफ आने लग जाएंगे, बिकॉज प्राइस में सब कुछ है, ऑप्शन के प्राइसेस और महंगे हैं, तो यहाँ पे कॉल राइटर को कोई बहुत बड़ा गैप अप होगा, बहुत एक्सट्रीम से मतलब मैं 400-500 पॉइंट निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, 1,800 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुलेगा तो कुछ टेंशन आएगी, वरना उसको कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे पेयर में ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जो करते भी हैं तो कॉल के सामने पुट भी होती है, कहने का मतलब जिसने ऑप्शन बेचा होगा वो 23,400-23,500 तक तो सेफ है, मार्केट में 1,000 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल जाए या 2,500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खुल जाए, इतना बड़ा गैप अप मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं एक्सपेक्ट कर क्या रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ दोस्तों कि मार्केट अगर ग्लोबल सपोर्ट रहा तो जो हमारा अभी रिसेंट हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस है 23,000 से 101 पॉइंट नीचे 22,850 22,900 यहां तक कहीं तक निफ्टी खुलेगा और 23,000 का लेवल तब पार करेगा जब मंडे को ग्लोबल मार्केट ठीक रहते हैं। यहां पे मार्केट टाइम बिता सकता है, हमारे इलेक्शन का वेट कर सकता है, अगर ग्लोबल सेंटीमेंट सुधर गया तो फिर हम 23,600 या 700 तक जा सकते हैं, फर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। सेकंड केस सिनेरियो, अगर हम ऊपर खुलते हैं, ग्लोबल अच्छा नहीं दिख रहा मान लो आपको, तो वापस प्रॉफिट बुकिंग करते करते धीरे धीरे हम यहां तक आ सकते हैं। याद रखिएगा अभी जनता का पोल नहीं आया, ये एग्जिट पोल है, इलेक्शन में चांस अब कम है, 5% ही है, बट कुछ सरप्राइजिंग आ सकता है। अगर हम ऊपर हुए और इलेक्शन में कुछ भी नेगेटिव आ गया, बाई चांस खुदा ना खास्ता आ गया, तो मार्केट शर्म नहीं करेगी, लोअर सर्किट मार दे या 20,000 पे भी खुल जाए, मतलब फिर तो बहुत बड़ा एक झटका मार्केट के लिए होगा, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी भी कि कुछ गलत हो सकता है, कांग्रेस आ सकती है, उल्टा हो सकता है एक्सपेक्टेशन से, अब वो किसी को नहीं रहेगी। तो यहाँ पे एक चीज ये है। सेकेंड थिंग, अभी यहाँ पे देखो, अगर पॉजिटिव न्यूज आ गई है और अब सब कुछ फियर निकल गया है, तो विक्स घटना शुरू हो जाएगा, विक्स बढ़ा हुआ है, विक्स घटना शुरू हो जाएगा। एक सही तरीका काम करने का ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो जाने दो, ठीक है, गैप अप खुल के जाएगा, खुल के थोड़ा और बढ़ेगा, अब क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, न्यूज को प्राइस इन करने के बाद विक्स घटेगा, विक्स घटने से ऑप्शन के प्रीमियम घटेंगे, तो मार्केट जब भी दोबारा प्रॉफिट बुकिंग में आए, किसी स्ट्रांग सपोर्ट पे आएगा, आपको मौका मिलेगा वापस, वहां पर बाइंग किया जाए और उस कम विक्स के अंदर फिर जो अगली रैली होगी उसका फायदा उठाया जाए। अब एग्जैक्ट पैटर्न, एग्जैक्ट लेवल, मेरी कैलकुलेशन मैं कुछ कर चुका हूँ, कुछ कर रहा हूँ, वो मैं जैसा कि आपको पता है आजकल अपने ऐप में डालता हूँ डेली, तो वो मैं वहाँ पे डालूंगा, वो आप देख सकते हैं मंडे मार्केट खुलने से पहले रात को जब भी आपको इच्छा हो। अभी मैंने डाला नहीं है वीडियो, संडे को मैं ये वीडियो सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दोपहर तक ऐप में मेरा वीडियो एनालिसिस कंप्लीट, क्या लेवल्स हैं, क्या बैंक निफ्टी निफ्टी के टारगेट हैं, बेनिफिशियरी स्टॉक्स हैं, सब कुछ अपलोड होगा, बट उसका लिंक तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बट ओवरऑल मैंने मोटा मोटी अपनी राय समझाई, तो यहाँ पे मैं दो चीज़ों पे फोकस करा रहा हूँ आपका। पहला, प्राइस में बहुत कुछ डिस्काउंटेड है, फोमो में मत आना, अडानी वगैरह के स्टॉक तो आप देख ही रहे हो किस तरह से पार्टी के मूड में था, फ्राइडे को 7% ऊपर था, बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा एक रिकवर करके 300 पॉइंट ऊपर था। अब अगर मार्केट में कोई 2,000 पॉइंट निफ्टी में गैप अप खुल जाए, समथिंग हो जाए, तो टेंशन है ऑप्शन सेलर को, जिसने इतने अच्छे प्रीमियम पे ऑप्शन सेलिंग करी है, वो भी पेयर में, उसको फिर शॉर्ट्स कवर करने पड़ेंगे, फिर तो बात अलग है। अदरवाइज मार्केट एक झटका मारेगा, गैप अप खुलेगा, 400 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल जाए 22,900-22,950 पे, बैंक निफ्टी खुल जाए अपने पिछले हाई के आसपास 49,600-49,700 पे, वहां पे ग्लोबल को देखने लग जाएगा मार्केट फिर से, भाई डोमेस्टिक हो गया, आप ग्लोबल को देखेंगे, और विक्स घटेगा, और विक्स के घटने से ऑप्शन के मार्केट के बढ़ने के बाद भी आपके शायद ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो कोई वेट अच्छा करना आपको जरूरी है। प्लस इलेक्शन का रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है, ट्यूजडे के बाद वेडनेसडे को अभी इलेक्शन का रिजल्ट आना है, तो मेरे हिसाब से आपको नहीं, ट्यूजडे को इलेक्शन का रिजल्ट आना है फिर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन आई थिंक, तो आपको मंडे का दिन फोमो में मैं खरीद लूँ मेरा मिस ना हो जाए इसमें नहीं आना, और कहीं खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा पड़ गया तो मार्केट बहुत, अब क्योंकि सब एक्सपेक्टेड कर रहे हैं पॉजिटिव, कहीं ये ना हो कि मार्केट में स्मार्ट मनी कुछ उल्टा चाल चल दे, तो थोड़ा सा यहाँ पे इमोशंस पे अपने काबू रखिएगा, मिस हो जाए अच्छा है, जाना है फालतू में जेब से चला गया, क्योंकि ऐसे मोमेंट में इमोशनली अगर आप सारा पैसा अपना लगा दोगे, एक गलत मूव वो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है, ठीक है, कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्राइस को पता होता है कहीं ना कहीं ऑप्शन के प्रीमियम
जिस तरह से हैं, जिस तरह से विक्स है, और जिस तरह से मार्केट गैप अप खुलेगा, जिन्होंने कुछ पोजीशन बना रखी है उनको तो फिर भी प्रॉफिट हो जाएगा, बट जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है उनके हाथ में कुछ ज़्यादा ये आने नहीं देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो छोटा मोटा आपको मैसेज दिया अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हरे कृष्णा, फिर मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो में।